नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। पूरे बिहार में कल से दरोगा अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले हैं। क्या कुछ आंदोलन में ये लोग करने वाले हैं, हम बात करते हैं दरोगा अभ्यर्थियों की, जो कि फिलहाल पटना कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए हैं और थोड़ी देर पहले इन्होंने एक बैठक की। कल से क्या करने वाले हैं पूरे बिहार में? देखिए, दरोगा परीक्षा जो 22 दिसंबर को आयोजित हुई थी, उसका क्वेश्चन जो है पहले ही वायरल हो चुका था, आउट हो चुका था, आंसर भी वायरल हो चुका था और हम लोग लगातार एग्जाम के बाद से ही प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार आ रहा है, आयोग हम लोग की बात को सुन नहीं रही है। आयोग में जाके हम लोग 2 बार जाके मिल चुके हैं, आयोग से जांच का आश्वासन दिया गया था, प्रूफ भी हम लोग दे चुके हैं, लेकिन जाँच नहीं कराया गया और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। तो हम लोग 4 फरवरी को भी बिहार बंद का ऐलान किए थे और 4 फरवरी को बहुत व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था पूरे बिहार में, पटना में भी हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे थे पूरे जिला में, सभी जिला में। और सरकार अभी भी हम लोग की मांग को नहीं सुन रही है, जो कि हम लोग का डिमांड है कि इस पर्चा लीक का CBI जाँच हो, और उस मांग से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग चाहते हैं कि इसके CBI जाँच हो और इसी मांग को लेकर हम लोग 13 फरवरी को, यानी कि कल, फिर से हम लोग पूरे बिहार में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यानी कि पूरे बिहार बंद का ऐलान किए। बिहार बंद हम लोग का शैक्षणिक संस्थान से लेके है कि शैक्षणिक संस्थानों को बंद कराना है और स्टूडेंट जितने भी हैं हर एक जिला में सड़क पर उतरेंगे, आरा में हो, हाजीपुर में हो, खगड़िया हो, बेगूसराय हो, हर जगह माने उतरेंगे सड़क पे। और पटना में पटना साइंस कॉलेज 10 बजे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आरा में आरा जंक्शन के पास 10 बजे। और हम लोग का एक ही डिमांड है कि जो पर्चा लीक हुआ है उसका CBI जांच होना चाहिए। सरकार से हम यही चाहते हैं कि न्याय के साथ विकास की बात आप नीतीश जी करते हैं तो आप पर्चा लीक की CBI जाँच कराइए, और ये जो महिला आरक्षण आप बिहार से बाहर की महिलाओं को दे रहे हैं उसको बंद कीजिए, आप स्थानीय नीति लागू कीजिए। ये सब 16 राज्य में स्थानीय नीति लागू है, बिहार के युवाओं को नुकसान हो रहा है उससे। तो हमारा डिमांड है कि जो पर्चा लीक हर एग्जाम में हो रहा है, बिहार पुलिस हो, STUT हो, सब में हो रहा है, तो उसको ये करके आप CBI जांच करवाइए। ये बताइए कि आप लोगों को पिछली बार लाठियां बरसाई गई थी पुलिस द्वारा, फिर से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो कुर्सी कुमार हैं वो लाठी बरसाए, वाटर कैनन का प्रयोग करे, छात्र अब रुकने वाला नहीं है। जिस तरह गांधी जी पर बहुत सा अत्याचार किया गया था, गांधी जी ने नहीं रुके, उसी तरह उन्हीं का जो शिष्य ये जो छात्र हैं ये रुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं। और मैं कुर्सी कुमार से कहना चाहता हूं, जो विकास पुलिस का चोला ओढ़े हुए हैं उनसे, कि मेरे पास एक खगड़िया जिला एक लड़का व्हाट्सअप किया हुआ है जिस पे 94 डिजिट से वो अपना रोल नंबर बता रहा है, लेकिन बिहार दरोगा एग्जाम में 94 डिजिट से कोई रोल नंबर नहीं था, एक 40 डिजिट से था, एक 58 डिजिट से था। उसने अपना गलत रोल नंबर बताया, इस पर FIR दर्ज है। इसका नाम सुमित कुमार है, बाबू मिडिल स्कूल का लड़का है ये, और इसका रिजल्ट है, उसका दोस्त ने हमको भेजा है। तो हम कहते हैं विकास पुरुष से, आपका इतना ही अगर मतलब क्या बोले कि आपका ऑफिसर अगर चोर नहीं है तो जिस पर FIR दर्ज है उसका रिजल्ट कैसे हो गया? आयोग है, उसके चेयरमैन को, रिटायर्ड चेयरमैन को ही क्यों बनाते हैं आप? तो रिटायर्ड चेयरमैन को नहीं बना सकते। जो कुल मिलाकर कहें तो आप ये चाहते हैं कि जो परीक्षा ली गई है उसका एग्जामिनेशन रद्द किया जाए और CBI जांच हो। हमारी मांग है, एक हमारी मांग नहीं है, तमाम बिहार के छात्र की मांग है, CBI की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और सारे परीक्षा का कैलेंडर जारी होना चाहिए। चलिए, ये दरोगा अभ्यर्थी थे जो बता रहे थे कि कल से पूरे बिहार में ये प्रोटेस्ट करेंगे, बिहार के सभी जिलों में इनका प्रोटेस्ट, इनकी मांग है कि जो दरोगा परीक्षा हाल में ली गई थी उसे रद्द किया जाए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। अभी तक के लिए इतना ही।